नमस्कार दर्शकों, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ज्ञान खजाने से भरे इस कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दर्शकों, भारत में एक प्राचीन परंपरा रही है, जब भी हम किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं तो ऐसे टाइम पर हम भगवान की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मंगल स्तुति करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, जिसे कहते हैं मंगल आचरण। तो क्या सचमुच जब हम ये सब करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, तो क्या सचमुच हमारे जो कार्य हैं वो सिद्ध होते हैं? आखिर हम ये सब क्यों करते हैं? तो इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में मौजूद है आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे मैंने अभी बात की कि प्राचीन भारत से ही ये परंपरा रही है कि हम कोई भी, चाहे घर के अंदर गृह प्रवेश हो, कोई फंक्शन हो, कोई ऐसा कोई हमने कोई नया काम शुरू किया हो, तो अब ऐसे टाइम पर जो है भगवान को याद करते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं, सब कुछ हम करेंगे। हम ब्राह्मणों को भी बुलाएंगे, पंडित जी को बुलाएंगे, ताकि वो कार्य निर्विघ्न हो सके। तो क्या सचमुच ये सब करने से, जैसा हमने सोचा था कि ये कार्य सफल हो, तो क्या सचमुच ऐसा होता भी है? हम लोग जो कार्य करते हैं, पहले तो कार्य कैसा है ये देखना चाहिए जी। सचमुच वो कार्य शुभ है? अगर शुभ कार्य है तो शुभ कार्य में तो सफलता मिलनी जी, अशुभ कार्य के लिए तो सफलता की बात ही नहीं, उससे तो ना फल मिलेगा जी, ना खुशी मिलेगी। तो ये जो प्रथा है मंगल आचरण की जी, ये जैसा कि भगवान को याद दिलाते हैं कि हम जो ये शुभ कार्य कर रहे हैं इसमें आप हमारे को सफलता देना, तो क्या भगवान जो सर्वज्ञ हैं उसको अपने कर्तव्य याद नहीं है क्या जी? उसको स्मृति नहीं है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जी? क्या उसमें समर्थ ही नहीं है क्या जो भगवान को याद कराते हैं? वास्तव में मंगलाचरण का अर्थ ये है कि एक तो हमारा कार्य जो है वो शुभ हम करें, श्रेष्ठ कार्य करें, और परमात्मा की सिर्फ स्तुति नहीं करे जी, परंतु परमात्मा की जो हम महिमा करते हैं, लोग कागज के ऊपर भी लिखते मंगलाचरण जी जी, वो सिर्फ मुख से स्तुति नहीं करे, कागज के ऊपर नहीं लिखे, परंतु परमात्मा का जो श्रेष्ठ आचरण है हम उसको अपने जीवन में धारण करें। तो जब हम परमात्मा के गुण, परमात्मा का जो कर्तव्य है, परमात्मा की जो शक्तियां हैं, उसको जीवन में धारण करना वास्तव में मंगलाचरण जी। सिर्फ हम इसी में खुश हो जाते हैं, उसकी हमने स्तुति कर लिया, क्या उसमें भगवान खुश होता है क्या? उसकी स्तुति करने की जरूरत नहीं, वो है ही महिमा लायक। आप स्तुति करो या निंदा करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। और हमें क्यों शंका आनी चाहिए, जबकि हम शुभ कार्य कर रहे हैं तो ये हमारा कार्य सफल हो तो हमारे को ये क्यों शंका आती है कि वो असफल होने वाला है जी? जो शुभ कार्य है उसमें कहते हैं मंगल जो है वो तो उसमें विजय आई है जी जी। शुभम मंगलम, मंगलम जो है वो क्या है, वो तो विजय होने वाली, शुभ कार्य की हमेशा विजय होती है। तो इसके लिए वास्तव में क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। एक लड़का था, उसका नाम था प्रभुदास, 12 बरस का लड़का था जी। उसका बाप मर गया, तो वो वैसा धर्म को मानने वाला, उसकी माँ भी वैसे ही थी, तो वहाँ पर एक टोली निकली, बोला हम तीर्थों पर जाते हैं। तो इसने माँ को बोला मम्मी मैं भी तीर्थ पर जाता हूँ। माँ ने कहा जाओ भाई बेटा, पर बोला देखो मेरे पास तो ज्यादा पैसा नहीं हो, तो बेचारी बर्तन मानती थी और पेट भरती थी क्योंकि उसको 2 बच्चे थे। बोला मेरे पास, तेरा एक भाई भी है तू भी है, मेरे पास सिर्फ 100 रुपए, मैं तेरे को 50 रुपए देती हूँ। उसने कहा ठीक है चलेगा। उसने, माँ ने उसको 50 रुपए दिया बेटे को और बोला ये 50 रुपए ले, तेरे को जरूरत पड़ेगी तो उसका खर्चा करना जी।
परंतु एक बात तुम गांठ बांध दो, कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलना, सदैव सत्य बोलना। उसने कहा ठीक है। वो निकल गए यात्रा पर। रास्ते में जंगल में पहुंचे, वहां पर एक डाकुओं की टोली आके उनको लगी जी, और उनके पास जो कुछ था वो सारा लूट लिया। अभी ये जो लड़का था इसने बहुत सेफ रखे हुए थे वो 50 रुपए संभाल के, तो एक डाकू ने उससे पूछा बेटा तेरे पास कुछ है? तो बोला है। बोला क्या है? बोला 50 रुपए। तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि इसके पास पैसा है और ये बोलता है मेरे पास 50 रुपए है जी, क्योंकि उसको माँ की सिखिया याद थी झूठ बोलना नहीं। फिर दूसरे ने भी आके पूछा, इसने कहा तुम सब घड़ी घड़ी वही क्यों बात पूछते कि मेरे पास कितना, मैंने बता दिया ना 50 रुपए। जी जी जी। तो छोटा बच्चा था, तो उसको डाकुओं का जो सरदार का उसके पास ले गए। उसने पूछा तेरे पास क्या है? बोला मेरे पास 50 रुपए है, मैंने बता दिया है। जी। बोला कहाँ है? तो उसमें कपड़े के अंदर सी करके वो 50 रुपए रखा था, तो कपड़ा सारा खोल करके उसने वो 50 रुपए उसको दिया डाकू को। डाकू ने कहा जिस पैसे को तूने इतना संभाल के रखा था तुमने हमको वो क्यों बताया? जी। तुमको तो मालूम है हम डाकू हम ले लेंगे। तो बोला पर मेरी माँ ने मेरे को बोला था तू कभी झूठ नहीं बोलना। जी। तो मैं झूठ कैसा बोल सकता हूँ? तो ये बात सुन के उस डाकुओं के सरदार की आंख में आंसू आ गए। बोला तू इतना छोटा सा बच्चा होकर के और माँ से जो तुमने प्रॉमिस किया था तुमने वो निभाया। जी। और हम इतने बड़े होकर के हमने जो भगवान से प्रॉमिस किया है हम वो नहीं निभा सके। तो उन्होंने अपना धंधा वो छोड़ दिया और जिनसे भी उन लोगों से पैसे लिए थे उनको वापस दे दिया। जी। और फिर ये जो था प्रभुदास, आगे चल के ये संत प्रभुदास नाम से फेमस हुआ। तो ये है मंगलाचरण। मंगलाचरण का आप अगर संधि विच्छेद करेंगे तो मंगल प्लस आचरण, आचरण मन कर्म। जी। वास्तव में हमारे जो कर्म है वो श्रेष्ठ कर्म होने चाहिए। हमारे कर्म ऐसे श्रेष्ठ होवे जो हमें देख के और भी श्रेष्ठता को प्राप्त करे। जी जी। अभी जी। उन्होंने डाकूपना छोड़ दिया, लूटपाट छोड़ दिया और काम धंधे में लग गए। ये पुण्य का तो खाता प्रभुदास का ही बड़ा। बिल्कुल। तो इसीलिए सिर्फ परमात्मा की स्तुति करने में कुछ नहीं होना है, परंतु हमारे को परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में धारण करना है, खुद के जीवन में धारण करके औरों को भी वो धारण कराना। जी जी जी। और परमात्मा के गुण जीवन में धारण करके, परमात्मा की शक्तियां जीवन में धारण करके, परमात्मा ने जो विश्व कल्याण का कर्तव्य चालू किया है उसमें हमको सहयोगी बनना। जी जी जी। तो जितना जितना हम औरों का कल्याण करेंगे, औरों को परमात्मा के गुण धारण कराएंगे, उसका परिचय देंगे, उससे शक्तियां लेना सिखाएंगे, उतना उतना हमारा कल्याण होता जाएगा, हमारा आचरण है जो श्रेष्ठ होता जाएगा। जी, जी जी। आज भी देखो देवताओं का आचरण कितना गाया जाता है। बिल्कुल। उनके कितने गुण गाए जाते हैं, इधर सिर्फ स्तुति करते हैं बस इसी में खुश होते हैं। जी। हमने भगवान की स्तुति कर दिया, हे भगवान तू हमारे को सफलता देना। तुम कार्य ही अच्छा करो जो तुमको आप ही सफलता मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारे को जरूरत ही नहीं है सफलता मांगने की। जी। तो जीवन में सफल होने के लिए हमारे को जीवन में अच्छा आचरण बर्ताव करने की जरूरत है। जीवन में सफल होने के लिए हमारे को दिव्य गुणों को धारण करने की आवश्यकता है। जीवन में सफल होने के लिए हमें विश्व का कल्याण करने की आवश्यकता। जी जी जी। तो ये छोटे से बच्चे ने सिखा दिया कि वास्तव में देखो ये है तुम्हारा आचरण श्रेष्ठ बनाने की, मंगल आचरण ये है। जी। स्तुति बैठ के गाते उसमें खुश हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल। क्या फायदा होता है उससे? दीदी स्तुति का तो आपने इम्पोर्टेंस बताया भी, एक चीज हम और भी करते हैं, जैसे कि हम लोग स्वास्तिका बनाएंगे, हम लिखेंगे शुभ लाभ, ये सब लिख देंगे, लेकिन इन सब बातों का क्या इम्पोर्टेंस है? ये क्यों ये सब लिखा जाता है, क्यों स्वास्तिका बनाई जाती है?
देखो ये इसीलिए किया जाता है कि हमारे को ईश्वरी याद रहे जी। ईश्वर को याद करने के कोई तो तरीके अपनाने पड़ते हैं जी, बिल्कुल। तो ये तरीका अपनाते हैं, शुभ लाभ, तो शुभ लाभ देने वाला तो वही है। हाँ, शुभ होगा, शुभ लाभ तभी होगा जब तुम शुभ कार्य करेंगे। शुभ कार्य करेंगे तो लाभ ही लाभ। स्वस्तिका निकालते हैं, स्वस्तिका निकालते हैं तो परमात्मा के हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान देता है जी जी। तो जी, जी। उसके हिसाब से हम स्वस्तिका निकाल देते हैं जी जी। अभी कौन सा समय चल रहा है, देखो कलयुग का अंत चल रहा है जी जी। उसके बाद नई दुनिया आने वाली है, सतयुग आने वाला है, इसीलिए आप सदैव शुभ करते रहो, उसके लिए निकालते हैं। तो लोग अर्थ तो नहीं जानते, ऐसे ही सिर्फ बैठ कर लिख देंगे या बोल देंगे, उससे कुछ नहीं होने। और भी करते हैं, जैसे पानी छिड़कते हैं और धूप बत्ती लगाते हैं, बहुत कुछ ऐसा रीति रस्म करते हैं, वातावरण को पावरफुल बनाते हैं ना जी जी जी। पर ये भले करे, करना है तो ये करो, परंतु वातावरण को पावरफुल बनाने के लिए हमें अपनी वाइब्रेशन पावरफुल बनानी जी जी जी, बिल्कुल। हम जितने जितने ईश्वरीय याद में रहते हैं, पॉजिटिव सोच में रहते हैं, उतना उतना वातावरण जो है वो पावरफुल बनता जाता है जी 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 जी। तो सिर्फ इससे कुछ नहीं होना है कि हमने देखो अभी ये वास्तु शांति कर दिया तो यहाँ वातावरण पावरफुल हो गया, नहीं, आप वहां जाके योग करो जी, ईश्वरीय याद करो, औरों को भी वहां पर ईश्वरीय याद दिलाओ, तपस्या करो, तो जिससे क्या हो जाएगा, वो वहां का वातावरण जो है वो सुगंधित हो जाएगा, वहां का वातावरण पावरफुल हो जाएगा, जो भी आएंगे क्या होंगे, उनको उससे लाभ मिलेगा जी जी जी। आज लोग मंदिरों में क्यों जाके बैठते हैं, घर में भी पूजा करते हैं, घर में भी देवी देवताओं की मूर्तियां रखते हैं, फोटो रखते हैं, पर मंदिरों में क्यों जाते, वाइब्रेशंस पावरफुल, वहाँ का वाइब्रेशन होता है, क्योंकि वहाँ पवित्र वाइब्रेशन होता है, सभी के बुद्धि में यही रहते हैं कि ये मंदिर है जी, यहाँ पर देवी देवताएं निवास करते हैं, ये जो उनकी मनसा है ना, मनसा वातावरण को निर्माण करती है जी जी जी। अभी देखो एक है मंदिर, दूसरा है थिएटर, दोनों के वाइब्रेशन में फर्क है नहीं, बिल्कुल, कैसा क्या, दीवारें तो वहां भी है, दीवारें यहाँ भी, एग्जैक्टली, उधर भी इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर उधर भी देवी देवताओं के चित्र बताते हैं जी, जी, परंतु जी, वहां पर तो वो वातावरण नहीं निर्माण होता, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। तो ये मनसा जब हमारी पावरफुल होती है, उसका असर सारे वातावरण में होता है जी। तो परमात्मा ने हम बच्चों को ये काम दिया हुआ है कि आपको ये जो सृष्टि है, पतित सृष्टि, तमो प्रधानी सृष्टि, आपको अपने वाइब्रेशन इसको चेंज करनी है, इस पतित सृष्टि को आपको पावन बनाने का जी। तो इसीलिए आप धूप दीप तो भले जलाओ, परंतु उसके साथ साथ आप अपने संकल्पों की धूप भी साथ में जलाओ जी, श्रेष्ठ संकल्पों की धूप, जिसकी सुगंध सब तरफ जावे और लोगों के जो निगेटिव विचार है ना वो खलास हो जाए जी। कई बार क्या होता है दीदी, हम किसी काम का शुभारंभ तो करते हैं बहुत उमंग उत्साह के साथ, हम बहुत खर्चा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो कार्य जिस रीति से हम चाहते हैं वो सफल नहीं हो पाता, तो फिर हम कहते हैं कि भगवान की यही मर्जी थी शायद, जितना सोचा था उतना ये काम हुआ नहीं या चला नहीं, फिर हम कहते हैं कि शायद दूसरों की बुरी नज़र लग गई, दूसरे ऐसे नहीं चाहते थे, उनकी बुरी नज़र लग गई है इसलिए ऐसा हुआ, तो ये क्या सब ऐसा होता है? ऐसी नजर वजर तो क्या कोई लगाएगा जी, वास्तव में देखा जावे और भगवान का भी कोई मर्जी नहीं है, ऐसा नहीं, भगवान की तो यही मर्जी होती है तुम्हारा कल्याण होवे जी, भगवान की यही मर्जी होती है तुम्हारे शुभ कार्य जो है वो सफल होवे, परंतु कभी कभी ऐसा होता है, देखो जीवन में हार और जीत दो साइड जी, तो ये कभी तो हमको सफलता भी मिलती है, कभी असफलता मिलती है, तो उसमें ना उम्मीद होने की कोई बात नहीं है और किसी को दोष देने की बात नहीं है जी, ना व्यक्तियों को दोष दो, ना भगवान को दोष दो, किसी को भी दोष नहीं, ना खुद को भी दोष दो। अभी असफलता हो गई तो क्या हो गया, असफलता जो है वो सफलता की सीढ़ी है जी, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो असफलता की सीढ़ी के ऊपर पैर रखना ही पड़ेगा, आप हमेशा हार और जीत ये दो बातें तो होगी ना, आप एक ही बात पकड़ के, क्या हमेशा ही संडे होगा, क्या मंडे नहीं आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, तो इसीलिए हमको इसमें कोई घबराना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, असफलता भी हो गई, आप किसी को दोष नहीं दो कि उसकी नजर लग गई, उसकी कोई नजर वजर नहीं लगती है किसी। जी 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 जी, पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, चाहे हमें असफलता भी मिल रही है तो भी हमारा जो नजरिया है, ऐसे हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, आगे चल के हमारे को सफलता मिल जाएगी जी जी, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। दीदी एक चीज और भी आती है कि जो मंगल आचरण है
ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिसमें हम ये कर सकते हैं, या सभी में ही करें, या फिर कोई कुछ सिलेक्टेड ऐसे कार्य होते हैं जिसमें हम ये शुभारंभ है, शुरुआत है, ये सब कर सकते हैं? देखो, वास्तव में देखा जावे ये तो मन को मनाने की बात है जी, समझा है। तो ये कि हम अपना जो आचरण है, अपने जो कर्म है, उनको श्रेष्ठ बनाने का हमेशा लक्ष्य रखें जी। बाकी आपको इसमें आनंद मिलता है तो भले जाके करो, जो भी कार्य करो, परंतु ये ध्यान में रखो कि जो आप कार्य करते हो वो सत्य होना चाहिए, जो आप कार्य करते हो शुभ होना चाहिए, जो आप कार्य करते हो उसमें सर्व की भलाई होनी चाहिए। जी जी, ऐसे कार्य का आप शुभारंभ भले जा करके करो जी। आज समझो कोई चोर है, चोर कोतवाल को बोलता है, हे तू बहुत सर्वशक्तिवान है, तेरे में बहुत ताकत है, तू शक्तिशाली है, तू मेरे को मदद करना चोरी करने के लिए। ये तो ऐसी बात हो गई जी जी। हाँ, उल्टा काम कर रहे और भगवान को ये शुभाचरण उसके गीत गा रहे, तो ये तो ऐसा हो गया कि तू हमारे को चोरी करने में मदद कर जी। हाँ? जी जी, खराब काम में मदद कर, भगवान ही तो धर्मराज है, तुम्हारे को मदद नहीं करेगा पर तुमको डंडे मारेगा। क्या होता है दीदी कि कई बार हम किसी काम की जो शुरुआत है वो विधिवत नहीं करते, परंपरा अनुसार नहीं करते हैं, तो जब उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो लोग हमें यही कहते हैं कि आपका ये काम इसलिए सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में, इस कार्य की शुरुआत में जो है पूजा अर्चना नहीं की थी, आपने ये सब नहीं किया था, रिचुअल्स नहीं किए थे, इसलिए आपका काम बिगड़ा है। तो क्या ये भी होता है ऐसा कुछ? होता है या नहीं होता है, परंतु आप कर सकते हैं ना, उसमें तो कोई पाप नहीं है जी। आप विधिवत कर सकते हैं, जो भी कार्य विधि से करो, सिद्धि की प्राप्ति होवे, लोगों को बोलने का चांस नहीं मिले, बाकी वो करेंगे तो होगा, ऐसी बात नहीं है जी जी। वो तो जी, जो होना होगा वही होगा, कहते हैं ना बनी बनाई बन गई, अब कुछ बनना नहीं जी जी जी। तो इसीलिए जो होने वाला है वो तो होने को तो कोई टाल नहीं सकता है जी जी, परंतु जी। फिर भी अपने मन के सेटिस्फेक्शन के लिए हमारे को करना चाहिए अगर जी, हम जी। मानते हैं तो जी जी जी, क्योंकि कई बार जैसे मान लीजिए भूमि पूजन है या इस तरीके की एक्टिविटीज हैं वो हम नहीं करते हैं, तो कुछ ऐसा उसी भूमि पर यदि हमने कोई निर्माण कार्य शुरू किया, वहां पे विघ्न आने शुरू हो गए, तो हम यही बोला जाता है कि आपने इसका भूमि पूजन नहीं किया इसलिए इस तरीके से हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि क्या प्रभाव पड़ता है इन चीजों का अगर हम ये सब नहीं करते? देखो, आप भूमि पूजन करेंगे तो ईश्वरीय याद में ही रह के करेंगे जी, तो उस भूमि को भी ईश्वरीय याद के वाइब्रेशन मिलेंगे जी जी, जी। ईश्वरीय याद से तो सफलता ही होने वाली बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो इसीलिए अर्जन नहीं, उसका पूजा करो ना, बिचारी सारा सारा हमारे को, उसने तो जन्म ही उसने दिया है, शरीर भी उसने दिया है, खाना पीना भी वो ही देती है, अभी उसकी पूजा करने में क्या अर्जा है, कर लो जी, उसमें जी। क्या है? इसमें मतलब कि एक तत्वों का रिस्पेक्ट है, बहुत रिगार्ड है, क्योंकि जितना धरती आज सहन करती इतनी सहन शक्ति तो किसी में नहीं है। बिल्कुल सही कहा। जितने आज ये पांच तत्व सेवा कर रहे हैं आज कोई सेवा नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो इसीलिए अगर उसका थोड़ा उसके ऊपर तुमने फूल चढ़ा दिया, धूप जला दिया, तो उसमें नुकसान क्या है, फायदा ही है ना। बिल्कुल सही कहा आपने, आप उसके थैंक्स मानो ना। बिल्कुल, मुझे लगता है ऐसे में तो और भी हमारा कार्य अच्छा से हो सकता है जब एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट रिगार्ड हम पांचों तत्वों के लिए भी रखते हैं, क्योंकि वो भी हमारे अन्नदाता है, हर चीज के दाता है, आज ये शरीर में देखो इसीलिए तो परमात्मा कहता है कि ये जो पांच तत्व है, इन पांच तत्वों को तुम्हें योग का दान देना। जी जी जी, बिल्कुल। तो इसीलिए इनको योग का तुम्हें दान देना है, तुम जितना जितना योग का दान देगे तो ये पांच तत्व सतो प्रधान बन जाएंगे, क्योंकि सतयुग में ये सतो प्रधान थे, देवी देवताओं के ये तत्व दासी थे जी उनकी, और आज भी देखो बेचारे कितनी सेवा कर रहे हैं, परंतु आज इन तत्वों को पीड़ते हैं, मनुष्यों ने पीड़ दिया है, बहुत दुख दिया है, इसीलिए आज तत्व ये इतना घमसान कर रहे हैं जी। बिल्कुल, प्राकृतिक आपदाएं इसीलिए आ रही है। तो तुम्हारा काम है इनको शांति का दान देना, इनको योग के वाइब्रेशन देना, जिससे ये धरती ये पांच तत्व सतो प्रधान बने, ये भी बहुत बड़ी सेवा है जी। दीदी, आज आपने इतने रोचक विषय के बारे में बताया है कि मंगल आचरण किसको कहते हैं, वास्तव में हम अपने व्यवहार के अंदर, अपने कर्म शैली के अंदर भगवान की जो गुण है, कर्तव्य, उसको धारण करें और फिर उस कार्य को जब करते हैं तो वो कार्य निश्चित तौर पर सफल होता है। और दूसरी चीज, जो भी रिचुअल्स जो हम करते हैं उनका जो
सिग्निफिकेंस है, उनका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, उसके बारे में भी आपने जो बताया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज की जो ये चर्चा हुई है, जिसमें हमने ये जाना कि मंगल आचरण वास्तव में क्या है, जब हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं, जब ईश्वर को याद करते हैं, तो वास्तव में हम ऐसे टाइम पर ईश्वर के गुणों की जब स्मृति करते हैं, तो वो गुण हम अपने अंदर धारण करें, जो उसके कर्तव्य है वो भी हम अपने कर्म क्षेत्र में लेकर के आए, तो निश्चित तौर पर जिस कार्य की हम शुरुआत करते हैं उसमें सफलता ऑटोमेटिकली समाई हुई है। साथ ही जो भी रिचुअल्स करते हैं उनको एक आध्यात्मिक रीति के अनुसार हम करें, जैसे कि बताया गया कि जब हम धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में हम अपने सराउंडिंग्स हैं, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाना है। और साथ ही हम पांचों तत्वों को भी योग का दान दें, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए आज तक किया है, वो आज तक हमें देते आए हैं, दाता समान है। तो ऐसे टाइम पर हम एज अ मार्क ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट उनको जरूर योग का दान दे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यही समाप्त करेंगे, अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात करेंगे। दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।